गाइस, अगर आप ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सीएसपी संचालक हैं, बीसी हैं, आप ना यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर ना बीसी एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से ना आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो गाइस, ना बीसी एप्लीकेशन ऐप में ना कुछ ऐसे हिडन सर्विस हैं, ऐसे हिडन फीचर्स हैं, तो यहाँ पर ना बहुत से कम ऐसे सीएसपी संचालक है जो कि ना इस सर्विस के बारे में जानते हैं। बहुत लोग जो ना इन सर्विस के बारे में, इन फीचर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से कम हैं जो इन सर्विस और इन फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सर्विस के बारे में और इन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको ना इसे किस प्रकार से यूज करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ना गाइस, मैं बीसी एप्लीकेशन में ना अपना आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन हो गया हूँ। तो सिंपली आपको भी यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही ना आप यहाँ पर आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सर्विसें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो आपको ना यहाँ पर साइड कॉर्नर में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही ना आप यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एपीएस की सर्विस मिल जाएगी। तो सिंपली ना आपको यहाँ पर एपीएस की सर्विस में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ना आप यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर ना आपको डेट सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ही ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना डेट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, शो रिपोर्ट में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो रिपोर्ट में आप क्लिक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगा, जो आपने यहाँ पर एपीएस के माध्यम से आपने ट्रांजेक्शन किया है, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, सारी ट्रांजेक्शन यहाँ से आ जाएगा। और गाइस, यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ यहाँ पर एक ऐसे हिडन सर्विस है, हिडन फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सिंपली आपको यहां पर करना क्या है, तो जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो आपको ना कुछ इस प्रकार से अपनी स्क्रीन में इस प्रकार से आपको यहां पर करना है। जैसे ही ना आप यहां पर आप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये ना कुछ हिडन सर्विस है जो कि ना यहाँ पर बहुत से लोग जानते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस सर्विस के बारे में नहीं जानते हैं। और एडवांस में आपको यहाँ पर फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वॉलेट के लिए मिल जाएगा। तो ये जो वॉलेट 1 वॉलेट 2 यहाँ पर दिए हुए है, ये हालांकि सर्विस अभी लाइव नहीं हुई है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ईपीएस की भी आपको यहाँ पर एक सर्विस मिल जाती है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ईपीएस वाले में, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर आपको APS 2 मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको आधार पे की भी सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आपको आधार पे की भी सर्विस मिल जाएगी, जो कि हमें होम डैशबोर्ड में ये सर्विस देखने को नहीं मिलती थी। पर इस प्रकार से ना आप जो है ना इन सर्विस को आप देख सकते हैं। ये सर्विस भी ना बहुत जल्द लाइव होने वाली है। DMT तो ना वैसे भी होम डैशबोर्ड में सर्विस थी, और यहाँ पर MATM की भी सर्विस थी। आप यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं व्यू मोड, तो आपको ना यहाँ पर व्यू मोड में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिचार्ज, कमीशन, कैश आउट, LIC, पे बिल, UPI, वॉलेट टॉपअप, तो ये सारे फीचर सर्विस यहां पर आ जाएंगे। तो ये ना ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए है। हालांकि ये सर्विस जब आपके एप्लीकेशन ऐप में लाइव हो जाएंगी, तब आप जो ना इन सर्विस का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि ना मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं थीम, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं मेरी थीम में कुछ इस प्रकार से बॉर्डर्स में कलर्स दिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार से बॉर्डर्स में कलर दिए हुए है। और यहाँ पर आप जैसे कि ना आप थीम में आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ना जो है ना आप थीम का आप कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है अपने बीसी एप्लीकेशन में आप कौन सा कलर्स आप करना चाहते हैं थीम कलर्स, तो आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि ना मेरे में कुछ इस प्रकार से जो है ना इसका कलर है, तो मैं यहाँ पर ना PG लेक में यहाँ पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, तो ये ना पूरी की पूरी रेड पट्टी आ गई, यहाँ पर ना रेड कलर हो गया। तो आप ना कुछ इस प्रकार से जो है ना अपने बीसी एप्लीकेशन का ना आप थीम भी आप चेंज कर सकते हैं। थीम में और भी बहुत सारे यहाँ पर कलर दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप कैश आउट की भी फीचर्स मिल जाती है। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं सेटिंग्स की, तो यहाँ पर सेटिंग्स की तो बाकी तो ये सर्विस हमें डैशबोर्ड में ही मिल जाती है। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से सर्विस यहाँ पर दिए हुए थे, और भी कुछ इस प्रकार से फीचर्स थी जो कि ना बहुत से लोगों को यहाँ पर मालूम नहीं था। सो गाइस, ना आप लोगों को ना इन्हीं सर्विस के बारे में बताना था, इन्हीं कुछ फीचर्स के बारे में बताना था। और गाइस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ना हर छोटे से बड़े आपको अपडेट मिलते रहते हैं हमारे इस चैनल में। तो आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।